इधर मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने बुधवार को सदन में जमकर हंगामा किया। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भले ही कहे कि अपराध कम हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने 11 दिन में लगातार तीसरी मर्तबा कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर भी कहा कि उन्हें पहले दिन से डर है कि उनकी सरकार कब तक चलेगी। हत्या क्यों हो रही है इस पे गृह मंत्री का ध्यान नहीं जा रहा, उनका ध्यान इस बात पे जा रहा है कि मैं कैसे शाबदासी दूं और कैसे वाहवाही लूं और सदन में कहते हैं कि शांति है। थानों की नीलामी हो रही, थानों की बोली लग रही है। थानेदार टीआई जब थाने में आएगा तो वो फिर वसूली पे ध्यान देगा, जब पैसा दे के आएगा तो वसूली करेगा। और इस प्रदेश में सिर्फ यही हुआ है कि पुलिस का भय समाप्त हो गया है। ऐसे गृह मंत्री को पद पे बने रहने का एक क्षण भी अधिकार नहीं है और गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। हम पुरजोर ताकत से आज इस बात को सदन में उठाएंगे।